तो कितना बड़ा साइज का मछली है देखिए, मिल्की कार्प है इधर, ये सब का बच्चा मिल जाएगा देखिए। और वो लंबा वाला वो क्या है, हॉकी स्टिक? हॉकी है। वाह, एक यूनिक कलेक्शन है, हॉकी स्टिक टेट्रा प्लेंटेड एक्वेरियम का मछली है ये सब मछली। इसका बच्चा भी मिल जाएगा हॉकी स्टिक का, कितना पैसा गिरेगा ये तो? 2.5 फुट से भी ज़्यादा, मतलब 3 फुट का आसपास हो जाएगा। देखिए 3 फुट का आसपास का मछली है, इसका भी बच्चा मिल जाएगा। ए वाला का नाम क्या है? प्रिंटेड, ए प्रिंटेड कार्ड का। सब ओरंडा का बच्चा है इसमें। 7 से 8 इंच और उम्र, एज? उम्र इसका 8 से 9 महीना होगा। 8 से 9 महीना उम्र है। 2-3 महीने के बाद ये ब्रीडिंग हो जाएगा। 2-3 महीने का बाद? 2-3 महीने। ये सब मछली का दोस्तों बच्चा भी टेट्रा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, भेल सर पे टेट्रा। ये दोस्तों ये सब मछली ब्रूडर मछली है, ये सब मछली सेलिंग के लिए नहीं है, ओनली सिर्फ सेलिंग के लिए है बच्चा इसका। ये देखिए दोस्तों काबूतो कोई। ओके, ये सब मछली का बच्चा भी मिल जाएगा, बेबी तो मिल जाएगा। हाँ, बेबी मिल जाएगा। कितना पैसा में? 2-3-4 दिन बाद ही मिल जाएगा आप लोगों को ये सब मछली का बच्चा। ये देखिए कितना बड़ा साइज का कार्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आ गए और एक नया वीडियो लेके, नया टॉपिक के ऊपर, एक्वेरियम फिश फार्मिंग के ऊपर। एबार टॉपिक है वीडियो का तो छात्रागछी में आ गए सुभाष दा का पास। तो उनका पास बहुत सारे कार्प का आइटम मिल जाएगा। ठीक, कार्प है, गोल्डफिश है, गोल्डफिश है, कार्प है, सब कुछ है, सब कुछ है, ये सब आइटम मिल जाएगा। तो उनका सब परिचय कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपका नाम बताइए। हाँ दोस्त, मैं हूँ सुभाष चटर्जी। आपका लोकेशन? हमारा लोकेशन है बागसारा नियर पुरातन नवनीतला मंदिर। ओके, और अगर कोई आएंगे तो आपका पास कैसे आएंगे, मतलब बाइक में आना है तो बैतूर से लेके हाँ सादरागाछी क्रॉस करके जाना है, उसके बाद बैतूर से जाने तरफ क्रॉस करके बागसारा मिलेगा, वहाँ पे पुरातन नवनीतला मंदिर। अच्छा, वहाँ आके हमको फोन करने से मिल जाएगा। ओके, और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर 9833110884। अच्छा, कॉल करने का टाइम क्या है? 12 बजे से बाद, मतलब पहर? हाँ हाँ, सुबह 12 बजे से बाद। अच्छा, शाम रात 11 बजे तक। आप लोग ब्रीडिंग का धाड़ी मत चाहिए, यहाँ पे सेफ बच्चा के लिए फार्म है, धाड़ी बिकने के लिए नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका कलेक्शन बिना स्किप करके, आज का वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। और अभी जो फ्रेंड चैनल में नया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन है उसको दबा के रख दीजिए, और जिसको काला वाला बटन है उसको दबा के रख दीजिए। सस्ता सा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो छोड़ने के बाद ही, 1:30 PM रोज पहर में। ओके, तो देखते आज का कलेक्शन। तो दोस्तों पहला जो कलेक्शन हम लोग देखेंगे कार्प का कलेक्शन है, इसमें बड़ा साइज का मिल्की कार्प है इधर। ये देखिए कितना बड़ा साइज का कार्प है। ये सब मछली ब्रूडर मछली है, इसका बच्चा मिल जाएगा। ओके, तो कितना बड़ा साइज का मछली है देखिए, मिल्की कार्प है इधर। ये सब का बच्चा मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, ये सब का बच्चा दोस्तों मिल जाएगा। और इसका फूट क्या है, साइज क्या है? साइज मछली का साइज 2 फुट हो जाएगा, 2 फुट हो जाएगा। और बच्चा मिल जाएगा? तो बच्चा मिल जाएगा। फीमेल ना मेल है? ये फीमेल है। फीमेल मतलब ये वाला टैंक है फीमेल का टैंक। हाँ हाँ, ओके। ये देखिए दोस्तों प्रिंटेड कार्प है ना? है, प्रिंट कार्प है ये दोस्तों, है प्रिंटेड कार्प। देखिए कितना बड़ा साइज का मछली है, एक बार देखिए आप लोग। ये सब बच्चा का जो आप जो प्राइस है, बच्चा का प्राइस क्या है, मतलब कितना पैसा गिरेगा? ये प्रिंटेड कार्प का 10 पैसा। अच्छा, और जो मिल्की है वो 14 से 15 पैसा पड़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा साइज का मछली,
ठीक है। ये मछली भी दो फीट के ऊपर हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, दो फीट के ऊपर है। उम्र कितना है, साल कितना होगा? साल तीन साल। तीन साल का मछली? तीन साल, वो भी तीन साल का ही है। ओके, तीन साल का मछली देखिए एक बार। ये दोस्तों, ये सब मछली ब्रूडर मछली है, ये सब मछली सेलिंग के लिए नहीं है, ओनली सिर्फ सेलिंग के लिए है, बच्चा इसका। ओके, तो देखिए कितना बड़ा साइज का मछली है, तीन फीट दो फीट का ऊपर हो जाएगा फिन लेके, हो जाएगा। और भी पकड़ के आप लोगों को दिखा रहा है अच्छा लगने के लिए। ये मछली सबसे बड़ा मछली है, ये देखिए अढ़ाई फीट का ऊपर। मछली का अंडा आ गया क्या? हाँ, अंडा तो भरपूर। अच्छा, ये देखिए कितना बड़ा साइज है, अढ़ाई फुट से भी ज्यादा है, मतलब तीन फुट का आसपास हो जाएगा। ये देखिए तीन फुट का आसपास का मछली है, इसका भी बच्चा मिल जाएगा। ये वाला का नाम क्या है? पिंटेड। ये पिंटेड कार्ड है। पिंटेड कार्ड, ये बेबी 10 पैसा पीस है। 10 पैसा पीस। और एक बेहतरीन कलेक्शन, ये मछली का नाम है, मतलब इसी टैंक में है, जापानीज काबूतो कोई। तो इसका कलेक्शन हम लोग देख लेते हैं अभी। ये देखिए कितना बड़ा साइज का कबूतर है, पहले बार मैं देख रहा हूँ कबूतर का साइज इतना बड़ा है, मतलब ये फंड में कबूतर का साइज इतना बड़ा साइज का करते हैं उन्होंने। सब ब्रूडर मछली है, देखिए सब ब्रूडर मछली कबूतर को। और इसका बच्चा दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है, इसका बच्चा मिल जाएगा। ये देखिए मेल ना फीमेल है, सब फीमेल, फीमेल मछली है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों काबूतो कोई, ये दो फीट हो जाएगा ना? डेढ़ फीट का, डेढ़ फीट का, डेढ़ फीट का होगा ना? ओके। ये देखिए दोस्तों ओरांडा गोल्डफिश है इधर, ठीक है, कितना बढ़िया क्वालिटी का ओरांडा फिश है। देखिए एक बार हेड देखिए, सब मछली का, सब ब्रूडर मछली है दोस्तों, ये सब सेलिंग के लिए तो नहीं है ना? सेलिंग के लिए नहीं है, सेलिंग के लिए दोस्तों नहीं है, ये सब मछली ब्रूडर मछली है। ये देखिए हेड देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितने है, एज क्या है ये सब मछली का? ये ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 महीना हुआ। 9 महीना हुआ, कितना बॉडी स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, देखिए आप लोग, 8 से 9 महीने का मछली। आग भर जाएगा, आग भर जाएगा। ये देखिए पूरा जेली जैसे होते हैं उसका ही लग रहा है हेड। ओके, ये सब मछली का बेबी तो मिल जाएगा? हाँ, बेबी मिल जाएगा। कितना पैसा में? 15 पैसा। 15 पैसा में दोस्तों मिनिमम 5000 लेना, मिनिमम 5000, मैक्सिमम उसका मर्जी। अभी दोस्तों आ गए दादा का और एक फार्म में, ठीक है, और एक फार्म में आ गए। ये देखिए और एक फार्म, यहाँ पे सर पे भेल, सर पे सब कुछ है, लेमन भी है, सर पे है, लेमन टाइगर है, लेमन टाइगर भी है दोस्तों। ये देखिए ऑर्डिनरी सर पे है, ऑर्डिनरी सर पे देखिए भेल है। ये देखिए दोस्तों भेल सर पे टेट्रा, भेल सर पे टेट्रा है। इतना बढ़िया देखिए एक बार आप लोग, इसका बच्चा मिल जाएगा ना? ये सब मछली का दोस्तों बच्चा भेल सर पे टेट्रा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है भेल सर पे टेट्रा, ये सब मछली का बच्चा मिल जाएगा। ऑर्डिनरी का बच्चा मिल जाएगा? ऑर्डिनरी तो है, उसका भी बच्चा मिल जाएगा। ओ अच्छा, ये तो ऑर्डिनरी है, भेल है, लेमन है, कुछ तो लोडेड भी है, फुल लोडेड है। ये देखिए दोस्तों लेमन भी है, लेमन टाइगर, लेमन टाइगर भी है, भेल भी है तो लेमन। हाँ, ये देखिए और वो लंबा वाला, वो क्या है? हॉकी स्टिक। हॉकी है। वाह, ये एक यूनिक कलेक्शन है, हॉकी स्टिक टेट्रा प्लेंटेड एक्वेरियम का मछली है ये सब मछली। इसका बच्चा भी मिल जाएगा हॉकी स्टिक का? कितना पैसा गिरेगा ये तो? मिनिमम 1 रुपया। 1 रुपया, 1 रुपया में दोस्तों मिल जाएगा इसका बच्चा हॉकी स्टिक का। पे भी 80 से 1 रुपया, 80 से 1 रुपया, 80 पैसे से 1 रुपया। ओके, और ऑर्डिनरी सर पे वो 20 से 25 पैसा, 20 से 25 पैसा ऑर्डिनरी सर पे। ऑर्डिनरी सर पे मछली मिल जाएगा, मतलब ये सब मछली का बच्चा मिल जाएगा। और ये सब मछली का टैंक देखिए कितना बड़ा साइज का टैंक है। तो दोस्तों देखिए और एक यूनिक कलेक्शन है, इम्पोर्टेड कार्प, जापानीज इम्पोर्टेड कार्प, ये वाला टैंक में
ये देखिए दोस्तों, इसका भी बच्चा मिल जाएगा। देखिए प्रिंट देखिए एक बार, कितना बढ़िया प्रिंट का मछली है, इम्पोर्टेड जापानीज कार्प। ये सब मछली का साइज क्या है दादा? साइज 7 से 8 इंच होगा। 7 से 8 इंच। और उम्र, एज? उम्र इसका 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीना उम्र है। 2-3 महीने के बाद ये ब्रीडिंग हो जाएगा। 2-3 महीने का बाद? 2-3 महीने का बाद ब्रीडिंग। अच्छा, पूरा अप्रैल से मिल जाएगा। अप्रैल से मिल जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों ये वाला जो टैंक देख रहे हैं आप लोग, इसी टैंक में है रेड कैप। हेड देखिए आप लोग, सब मछली का ऐसा ही हेड है। देखिए ये सब मछली का बच्चा मिल जाएगा। ओके, ये सब मछली का बच्चा भी मिल जाएगा। रेड कैप और अंडा गोल्ड फिश और अंडा रेड कैप। ये सब मछली का एज क्या हुआ अभी? एज ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 महीना हुआ। सब मछली का एज ही आसपास 8 से 9 महीना एज है। ओके, टैंक जो देख रहे हैं आप लोग, नया आइटम है दोस्तों, बाई कलर रेड गोल्ड। नया आइटम देखिए, देखने में लग रहा है शुभंकिंग, मतलब ये बाई कलर गोल्ड है ना? बाई कलर गोल्ड है। ओके, ये देखिए बाई कलर गोल्ड, सब ब्रूडर मछली है दोस्तों। ये मछली का जो बेबी कितना प्राइस गिरेगा? 10 से 12 पैसा। 10 से 12 पैसा। अच्छा, तो दोस्तों ये सब मछली का बेबी का प्राइस है 10 से 12 पैसे का आसपास। जो बच्चा का जो आइटम, मतलब बच्चा मछली का आइटम, ये मतलब और एक जगह में है। ये देखिए इधर से, और अंडर रेड कैप का ना, और अंडर रेड कैप का बच्चा है। देखिए ये देखिए, शायद आप लोग देख ही पा रहा है, थोड़ा छोटा है, 2-4 दिन का मिलेगा। ये देखिए 2-3-4 दिन बाद ही मिल जाएगा आप लोगों को ये सब मछली का बच्चा, और अंडर एट कप ना, और अंडर एट कप का बच्चा। तो इधर बच्चा का सेक्शन है ना, तो ये जो आप लोग जो देख रहे हैं इधर बच्चा का सेक्शन है, इधर भी है। देखिए ये देखिए कितना सारा बच्चा, देखिए बाई कलर लाल का बच्चा है, बाई कलर लाल। अच्छा, बाई कलर रेड का बच्चा है। देखिए ये भी 2-3 ये देखिए दोस्तों, और अंडा का बच्चा ये देखिए, सब और अंडा का बच्चा है इसमें। तो दोस्तों आप सभी लोग देखें कि बहुत सारे कलेक्शन, ब्रूडर मछली का कलेक्शन। तो कैसे लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दादा का जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले मिल जाएगा, आप लोग कॉल करिए। कॉल करने का टाइम उन्होंने बोल ही दिया, 12 नून से रात 11-12 बजे तक। ठीक, ओके। तो उनका नाम क्या है, एक बार उनका साथ परिचय कर लेते हैं। अमर घोष। अमर घोष, ये दादा का नाम है अमर घोष। तो ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है आप लोगों के चैनल में, और आप लोग भी स्वस्थ रहिए।